बरतरफी के बावजूद मसीहाओं की हट गर्मी बरकरार। शेख जैद अस्पताल में चौथे रोज भी हड़ताल का बंद, मरीज परेशान। वाईटीए पंजाब और दीगर अस्पतालों के कयादत भी एहतजाज में शरीक, मरीजों को प्रोफेसर चेक करने लगे। हड़ताल और सीनियर डॉक्टर से बदतमीजी करने पर डॉक्टर समेत 14 अफराद को मुअत्तल किया गया था। डॉक्टर का पेशा इंतहाई मुकद्दस है। दीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इल्म मेडिकल है। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मौलाना तारिक जमील का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में खिताब। साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी का आवाम से राबता नहीं तोड़ा जा सकता। प्रोपेगेंडा के बावजूद पीपल्स पार्टी सिंध की मकबूल तरीन जमात है। पंजाब पहले नून लीग के पास था, अब पीटीआई के हाथ में है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की हाईकोर्ट बार में मीडिया से गुफ्तगु। खुश्क सर्दी की इनिंग खत्म, मौसम सरमा की पहली बारिश आ गई। शहर में हल्की बारिश, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। हवा में नमी का तनासुब 60% रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 10 होगा। बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात। तिबी माहरीन ने बारिश को मुफीद करार दे दिया। शहरियों को ड्राई फ्रूट, अंडे और सूप के इस्तेमाल का मशवरा। सर्दी की लहर आई, ठंडी हवाएं साथ लाई, वालिदैन को बच्चों की फिक्र सताई। महकमा तालीम ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 24 दिसंबर से 21 दिसंबर तक बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। सर्दी बढ़ते ही एलपीजी की भी शदीद किल्लत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 160 से 170 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। एलपीजी का बहरान चंद रोज में खत्म हो जाएगा। हुकूमत एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन। हल्की बारिश और यकबस्ता हवाएं, लेस्को के तरसीली निजाम को भी ठंड लग गई। 20 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से बिजली बंद। ताजबाग, सहाफी कॉलोनी, इकबाल टाउन, सब्जाजार समेत मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। एहलकार मसरूफ है, जल्द ही बिजली बहाल कर दी जाएगी, तर्जमान लेस्को। अपोजिशन लीडर की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का मामला, एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। जेल हुकाम शहबाज शरीफ को कोटलक पर जेल से इस्लामाबाद लेकर रवाना। नैब की जानिब से जायदाद मुंजमद करने का हुक्म कालेअदम करार दिया जाए। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की कंपनी का हाईकोर्ट से रजू। अली एंड फातिमा कंपनी ने जायदाद मुंजमद करने के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर पुलिस का बड़ा फैसला, एसपी सिक्योरिटी और एसएसपी सिक्योरिटी का दर्जा देने का फैसला। एसपी एंटी राइड फोर्स को भी एसएसपी सिक्योरिटी के मातहत किया जाएगा। तमाम सिफारिशा डीआईजी ऑपरेशंस की मुशावरत से तैयार। कराची से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। कराची से बरास्ता लाहौर रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट ताखीर से पहुंची। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की जेरे सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का इजलास। 50 लाख घरों की तामीर के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा। मियां महमूद रशीद बोले, नए शहर बनाने पर भी काम हो रहा है, फिल वक्त मुख्तलिफ शहरों के साथ हाउसिंग स्कीमें बनाने पर तवज्जो है। डॉक्टर यास्मिन राशिद ने टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, जबाना तालिब इल्मी में टेबल टेनिस की कौमी खिलाड़ी रह चुकी हूँ। पाकिस्तान टेबल टेनिस में 5वें नंबर पर था। सियासी मुदाखलत के बाद टेबल टेनिस का खेल भी मुतासर हुआ। और गैर मुल्की मॉरल हसीना खुशगवार मूड में अदालत पेश। अदालत ने ट्रेसा को सवालनामा फराहम करने के लिए तलब किया था। सरकारी वकील की इस्तदा पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी।